नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा कमीज की बॉडी कैसे बनाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कमीज की बॉडी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम इसका शोल्डर जोड़ेंगे। एक हमें सेंटर में कट लगाना है इस जगह पर, दूसरा कट हमें लगाना है इन दोनों का सेंटर करके इस जगह पर। ठीक इसी तरीके से हमें शोल्डर में भी कट लगाना है। हमने जो कमीज का शोल्डर काटा है, एक शोल्डर हमने कुछ बड़ा काटा है, थोड़ा सा, एक आधा सूत। इसको हम बाद में सेट कर लेंगे। जो शोल्डर हमने थोड़ा बड़ा काटा है उसको हम नीचे की साइड में लेंगे, और जो शोल्डर हमने छोटा काटा है उसको ऊपर की साइड में लेंगे। ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा छोटा शोल्डर है, जो हमारा ओरिजिनल शोल्डर है उसको हम यहाँ रखेंगे, और जिसको हमने थोड़ा बड़ा काटा है उसको हम नीचे रखेंगे इस तरीके से। ठीक, और बिल्कुल यहाँ से मिला करके दोनों शोल्डर, और हम एक पैर की सिलाई मार देंगे। इस जगह को हम सेंटर पे मिलाएंगे बिल्कुल इस तरीके से, यहाँ मिला लेंगे, और जो भी हमारा मार्जिन बचता है उसको हम, ये जो हमने कट लगाया है यहाँ से, हम इसको एक प्लेट दे देंगे इस जगह पर इस तरीके से। ठीक, इसी तरीके से हम यहाँ पर एक प्लेट दे देंगे। उसके बाद जो हमारा नीचे का जो शोल्डर है उस पर हम एक किनारे की सिलाई मार देंगे। ऊपर के शोल्डर को हम नीचे की साइड में रखेंगे इस तरीके से, रखेंगे नीचे और इसको ऊपर रखकर इस पर किनारे की सिलाई लगा देंगे। ये करने के बाद ऊपर की साइड में हम इस तरह से नाखून लगा देंगे इसको। ठीक, अब हमें इसकी घेर की सिलाई भी हमें मारनी है।
तो सबसे पहले हम इसकी घेर की सिलाई मार देते हैं। इस तरह से घेर की सिलाई मारने के बाद हम इसमें सामना जोड़ देंगे। इस तरीके से हम सामना रख लेंगे इसके ऊपर, और इसका जो सिंगल पल्ला है उसके ऊपर
हम एक आधे पैर की सिलाई मारेंगे। इस तरीके से ठीक इस तरह से सिलाई मारने के बाद हम इसको, ये जो हमने नीचे जो शोल्डर है उसको छोड़ा है, इसको इस तरह से ले लेंगे और एक पैर की सिलाई लगा देंगे तीनों पीसों को एक साथ जोड़कर। इस तरह से हमारा शोल्डर जुड़ जाता है यहाँ पे। इसी तरीके से हमें इस साइड में भी इस तरीके से सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमारे ये शोल्डर हम जोड़ देते हैं। ठीक से समझ लीजिए, मैंने इस शोल्डर को, जो अंदर का शोल्डर है, इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा काटा था ताकि ये अंदर से थोड़ा सा लूज रहे। ऐसा करने से ऊपर का शोल्डर में बिल्कुल भी कोई सल नहीं आ सकता, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा यहाँ से। ज़्यादातर लोग बिल्कुल बराबर काटते हैं, चाहे शर्ट का शोल्डर हो चाहे कमीज का शोल्डर हो। अगर आपने नीचे का शोल्डर को आधा सूत अगर बड़ा काट दिया है तो ऊपर का शोल्डर बिल्कुल साफ आ जाएगा, वरना कई बार ऊपर से शोल्डर साफ नहीं होता। इस तरीके से रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम इस तरीके से एक कच्ची सिलाई मार देंगे यहाँ पर। ये करने के बाद हमें इसका आस्तीन चढ़ाना है। सबसे पहले जिधर हमने चाक पट्टी लगाई थी, ये पीछे का हिस्सा रहता है, तो हमें इस तरीके से आस्तीन को रखना है। खड्डे वाला हिस्से को हमें आगे रखना है और ये खड्डे वाला हिस्सा इधर जुड़ेगा। उससे पहले हम एक बार इसको चेक कर लेंगे कि ये बराबर आ रहा है या नहीं। इस तरीके से ये बराबर आएगा। एक पैर की सिलाई हम मार देंगे इसमें। इस तरह से हम एक पैर की सिलाई मार देंगे और उसके बाद इस पर हम एक डबल सिलाई और मार देंगे।
इस तरह से हम आस्तीन चढ़ा लेते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरी आस्तीन चढ़ानी है। इस हिस्से को हमें ऊपर रखना है। इस तरह से हम अपनी आस्तीन को चढ़ा लेंगे और उसके बाद हम इसकी साइड की सिलाई मार देंगे। यहाँ तक सिलाई लाने के बाद हम सिलाई को इसके ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, यहीं पर पक्का कर देंगे और इस मार्जिन को पीछे पलटकर फिर हम सिलाई शुरू करेंगे। ये हमारा पॉकेट का मुंह है तो यहाँ पर हम इसको पक्का कर देंगे। इस जगह पर इस तरीके से, इसी तरीके से हमें यहाँ से इसको पक्का करना है और नीचे भी इसको पक्का करना है। ठीक, इसको मैंने इसलिए छोड़ा है कि दोनों साइड से, वैसे तो सिलाई एक साथ हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमने इसको इंटरलॉक नहीं किया है अभी। अगर हम इसको सिलाई मार देंगे तो इंटरलॉक हमारा यहीं तक आ पाएगा, ये हिस्सा कच्चा रह जाएगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ा है। आप अगर पहले इसको इंटरलॉक कर सकते हैं उसके बाद आप सीधी सिलाई मार सकते हैं। इसी तरह से हमें दूसरी साइड की सिलाई भी मारनी है।
इस तरह से हम कमीज की बॉडी बना लेते हैं। ये हमारा साइड पॉकेट की हमने जगह छोड़ी थी, वो है राइट हैंड पर रहती है ये, इस साइड से ये बिल्कुल बंद रहेगा। और आस्तीनें हमने इसकी चढ़ा दी हैं। अब हमें सिर्फ इसके कफ और कॉलर और साइड की पॉकेट लगानी है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने देखा कमीज की बॉडी कैसे बनाई जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट शर्ट कोट जैकेट टक्सीडो प्रीचीज शेरवानी कुर्ता पजामा, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।